हाय, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने वीडियो कॉलिंग स्कैम कैसे होता है उस पर बात की। उस पूरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अपनी प्राइवेट वीडियोस या वीडियो कॉलिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक पॉर्न साइट पे अपलोड करके आप वायरल करने की कोशिश कुछ लोग कम्युनिटी के ही कुछ लोग करते हैं। ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट किया था। इंस्टाग्राम के ऊपर एक यूज़र है जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे हेल्प मांगी। उन्होंने कहा कि उनके वीडियो इस साइट पे अपलोड की है और उनको हेल्प की ज़रूरत है। मैंने उनसे मैसेज करने के लिए कहा और लिंक भेजने के लिए कहा जहाँ उन पर वीडियो अपलोडेड है। उन्होंने वो लिंक मुझे प्राइवेट में भेजी और मैंने उस लिंक को चेक किया। फिर मैंने उस साइट के कंटेंट रिमूवल सेक्शन में जाके एक फॉर्म सबमिट किया जहाँ पर मुझे अपना नाम, एड्रेस और ये वीडियो क्यों निकालना चाहिए उसका रीज़निंग देना पड़ा और साइन करना पड़ा। और फिर मेरा रिक्वेस्ट उस साइट पर चला गया। रिक्वेस्ट भेजने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर मुझे उनसे रिस्पांस आता है और उन्होंने कहा कि वीडियो डिलीट कर दिया गया है और इस तरीके से वो वीडियो वापस दोबारा उस साइट पर ना आए उसका ख्याल वो रखेंगे। ये वीडियो से मुझे एक ही कहना है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, डरो मत, एक्शन लेना ज़रूरी है। At the end, I just want to say, if your or your friend's video is online without your consent, please reach out to me. I'll try to help you and I'll try to get that video out of that website. अगर आप भी आप किसी दोस्त की private videos बिना permission के online किसी site पर डाली गई है तो please मुझसे contact कीजिए। मैं आपको बिल्कुल help करूँगा और completely free, इसके कोई पैसे नहीं लेता हूँ मैं help करने के लिए इन चीज़ों के। तो मुझे message कीजिए link के साथ, I'll try to get rid of it. और एक चीज़ एंड में, जो भी ये लोग कर रहे हैं अगर आप ये देख रहे हो, डोंट थिंक कि लोग चुप बैठेंगे। एक ना एक दिन पुलिस लॉ वाले आप तक पहुंचेंगे और उनको आपके तरफ पहुंचाने के लिए हम ज़रूर हेल्प करेंगे। सो ये सब गंदी चीज़ें बंद कर दीजिए और बाकी के लोग दिमाग से सोचिए, नीचे से नहीं। टेक केयर।